दगड़िया कंचाओ आप सभी लोग बढ़िया है वाला पर गरम छा तो बढ़िया है वाला आप लोग तो आप तो लग रहा वाल कि मैं आज गड़ोल में कला छो बुन और वो भी ठीक नहीं ची मेरे गड़ल कला के सीखना छो मी अब बेबे गड़ल बुन तो थोड़ा थोड़ा टूटियों पुटियों ची मेरे गड़ल तो माइंड नहीं करनू तुम ठीक छे मतलब माफ कर दे मैं तो अगर मी गलत बोलो तो आपने मी ना पर पिछली वीडियो में बताया छे कि म्यार ससुर जी रिटायर हुए गए ना दो दो दिन पहले रिटायर हुए गए ना तो तमीन आज उनकुन एक सरप्राइज पार्टी रखी च आपते मीन लोकेशन दिखेल दिखेल छे आपते मीन लोकेशन दिखेल छे पिछली वीडियो में तो केता भी अगर दिखन च कुछ भी अगर केता भी रिलेट कन च पिछली वीडियो से तो आपते दिखन पड़ पिछली वीडियो बाकी आज एक वीडियो तो आप दिखना ही चाहो तो आज हम उते हमन ई बोल छे कि आज हमन घर मा खाणो नी पटक पकान आज हमन उते ई बोल छे कि आज हमन घर मा खाणो नी पकान आज हमन बाहर जा खाणो खाणो कुन तो हम ता पार्टी छे आज तो उन बोली कि बहर बहर कन के बहर तो खूब रुपया लगल तो हमने उनसे बोल कि कोई बात नहीं रिटायर भी तो भाई एक ही बार वन चे इंसान तो हम तो बहरी चे आज पार्टी तो मीन उनते ये ई बोल कि मी जाना छो बाहर रेस्टोरेंट दिखना कुन आपते मी फोन कर लूँ कि का खान तो आप सब भी वकी हैं तो उनते एक सरप्राइज मिला जब सब उन सब भी रिश्तेदार तक दिखने आकर तो उनते बड़ी सरप्राइज मिला आज तो मी बहुत एक्साइटेड छो कि क्या वे उनक रिएक्शन हुआ ल तो मी आज क्या करूँ रिवील कंचे तुम ते कि मी कला चो गड़ल बो नाज कंचे चलो चलो ठीक जी करना चाहूँ मी फिर अगले करना चाहूँ मैं कि कला चो मी आज गड़ल मा बोन थोड़ी टूटियों पुटियों भले ही चीज पर मी सीखना चाहूँ और आपन मिते कमेंट करके ई भी बताना कि आपने मेरे गड़ल पसंद आना चाहिए कि नहीं मीन अगने सीखन च ऑब्वियसली सीखन तो मैं छ इंच मिते सीखन च मिते इंटरेस्ट है गड़ल बोनम पर कोई बोल दी नहीं मेरे तक गड़ल गड़ल के कहन तब तो आप प्लीज मुझे मिते आपन बतान च कि मैं कन्न बुनो छो कन्न प्रोग्रेस छे च मेरे तब अगने वीडियो में भी मैं कोशिश कर लूँ कि मैं गड़ल में ही बोल ठीक है तो आज कोई मकसद च आज तक कि मैं गड़ल में बुना छो बाकी मैं दिखान छो आप तक कि मैं कले छो गड़ल में बुन कैफे जो च मीन यू यक एक भैया छन बहुत बढ़िया स्वभावक छन आप ते मिलौन छू मैं उन भैया दगड़ भैया गड़ल ही गड़ल भैजी छन ये भैया खैर ईचन भैजी क्या छो भैजी आप अपना नाम मेरा नाम प्रदीप लाल छ और आप यह काम कर दो हाँ मैं ये काम कर दो का खर्च हो आप मैं यम के सरब छम ब्लॉक का अरे हम भी यम के सरब ब्लॉक का छन या तो दिवली साइड है हाँ तो मैं भी यार भी उठी हो बंचुरी अच्छा 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 तो बहुत बढ़िया भैया छनी बाकी हमार पार्टी अभी स्टार्ट नहीं हुए जब स्टार्ट हुए जाए जब हम मन सर्विस ले ले आन तब मीन आपते बादम बताने की कंची और मी बदौल की आपते एक पार्टी कंचन की ना अभी तक तो मिता लगना चाहिए कि कंचन आपते पार्टी मेरी मेरे गड़ोल थोड़ी टूटी फूटी चाहिए ना तो माइंड नहीं करना अपन ठीक छ तो मिल दिखाऊँ आपसे अगने दगड़े हमन डांस करियाल अभी कोई नहीं है ऊंची यख सिर्फ मी छो मेरी चची सास छे म्यार चचा ससुर छन म्यार मामा ससुर म्यार मामा ससुर छन यख और बाकी अभी कोई गेस्ट नहीं है यख बाकी मिते तो आनी च पहले यख कल कि मिते वेलकम कन च गेस्ट गेस्ट ते यख कन च गुना मैं गड़ो हाँ बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक छे बढ़िया ठीक छे चचिन तो अप्रूव कर यार मैं यार गड़ोले अब आप ते भी कंच आप जरूर कमेंट बॉक्स में आपन लिखन छे कि कन लग आप ते मेर गड़ोले
तो चाची कंचे अखा का अरेंजमेंट ठीक लग रहा है? कर लो आप मजा आएगी, मजा आएगी। अभी औरन भी आने अख दिखला कि तो और मजा आ सब बनामन साथ में डांस करना ये हमार गड़ ढोल मा तो और मजा आल मुसक बाद में बूम बूम आना चला मजा ठीक है। तब हमन मिंच आपसे जब सब आ जा आ जाए ना या तब हमन मिन तब हमन साथ में डांस करना तब दिखोला आपते तो मैं तो बुंचे गड़ल कि मैं हिंदी में आ जाए ना ठीक से गड़ली ठीक से गड़ली ठीक से गड़ली ठीक से आ जा के वीडियो में मैं कोशिश कर लूं कि मैं गड़ल में ही बोलूं मैं बुननी नहीं आ जाए हिंदी में ठीक से ठीक से तब मिला आपसे अगले जब सब आ जाए ठीक से बाय बाय। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है? अच्छा। आपको चाची ताई जी बहुत अच्छा लग रहा है, मनीषा ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। अच्छा नीलम मैम ठीक हो रही है, पहले क्या वीडियो बनने वाला है? अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा कैसा कैसा लग रहा है, पार्टी में मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सब? ढोल ढोल अच्छे लग रहे हैं? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, आप लोग को पसंद आ रहा है ये सब? ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो सब देख रहे हैं यूट्यूब में, अब ये यूट्यूब में जाएगी वीडियो तो सब देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसी बहू अगर मिलेगी तो प्लीज इस चैनल में कमेंट करें, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। We'll be right back.
दगड़िया यख पार्टी वे गए अमर और बहुत बढ़िया तरह से वे पार्टी और सभी ते खूब मजा आई। यख खाणु बहुत बढ़िया छ, सर्विसेज भी बहुत बढ़िया छ, स्टाफ भी बहुत बढ़िया छ। तो सभी ते सब रिश्तेदारों का म्यार, सब गेस्ट का म्यार, सब ते बहुत बढ़िया लगी और सब मिटा यहाँ देखना चाहे कि मैं क्या करना चाह। देखो मिता देखो मिता सब मिटा दिखना चाह। अब पता नहीं क्या दिखना चाहनी, ये शायद छोड़ा है अच्छा इंतजाम करी चाह। चलो ठीक यन वेगे तो मेर पार्टी सक्सेसफुल वेगे। और यक म्यार एक दूर च दूर यार दूर च दूर जी यख मैं सुमित रावत उम्र 24 साल। I'm very single, you know. Please single. तो ये तो ब्याह का लकुन लड़की चेंज पर गर्लफ्रेंड कुन्नी ना 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 सिंगल चौमी सिंगल ब्याह का नहीं था ब्याह। ये एक बड़ा बड़ा भय भी चु पर बड़ा भय जी ने बोल कि तू ही कर पहल ब्याह मीर गण पहल शादी। तो सब चीज भलू हो यख अच्छा बुआरी बॉब कट चेंज है था करे की बाल लेना कोई कमी नीचे बाल कुछ भी चलेगी कोई बात नहीं मैं बढ़ा लूंगा बाल। ठीक तो हम तो आप अपन देखी वाल की करके हमारे पार्टी होने च तो हम तो खूब मजा आए। कभी ढोल वाला भैया कामक नीचे नहीं जा दही वेगे। अब तुम तो मेरे ताई जी बता दे कि कंचे हो बताइए ताई जी कंचे फिट। तो बस उन बादम थोड़ा हमारे मूड खराब कर दे पर यख कैफे वाल बहुत बढ़िया अच्छा नहीं आ रही बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर हमते खूब मजा आए। तो आपस में मिल आपसे आप दगड़ी में मिलूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गढ़वाली में क्या बोलते तब तक के लिए राम राम गुड नाइट। और क्या बोलते गढ़वाली में आपसे पर आप बुन चौमी की वीडियो ते लाइक कर बिना बिल्कुल नहीं जान आप स्वयं नहीं हाँ पहले लाइक कर एक बाद एक मिनट मतलब मी थोड़ा कच्चू छू ना गड़बुंड मा तो म्यार अंकल छ न जो की बहुत स्मार्ट छ नजर नहीं लगानो होता ठीक छ। हां ई बता दा आपका चैनल को क्या करना सब्सक्राइब कर और वे के बाद आगे बूझी ते सोए जा लाइक कर पहल लाइक पहल लाइक कर एक बार अपन आग बुझाना अपन एक बार से आना। गाइस मैं हिंदी में आ गई हूँ लास्ट में क्योंकि मैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी तो इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ जो ये मिराकी रेस्टोरेंट है ये बहुत अमेजिंग है मेरे अकॉर्डिंग। जो मेरे गेस्ट आए थे उनके अकॉर्डिंग भी रिस्पॉन्सेज का काफ़ी अच्छा मिला है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। और यहाँ की सर्विसेज यहाँ का फूड यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अभी तक मेरा कोटद्वार में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा आपको सीरियसली बताऊँ जो भी मैंने काम करवाया है बट फर्स्ट टाइम मेरी शादी को 4 साल हो गए फर्स्ट टाइम मुझे मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला है इनकी सर्विसेज को लेके रेस्टोरेंट की सर्विसेज को लेके चाहे वो लोगों का बिहेवियर है इतना फ्रेंडली बिहेवियर है यहाँ के स्टाफ का तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये है हमारे साथ ये यहाँ के ये भैया से मैं इंट्रोडक्शन पहले करवा चुकी हूँ ये नीतू चकमोला मैम है इन्हीं का ये कैफे है और ये बहुत इन्होंने बहुत सुंदर बनाया और ये अकेले मैनेज करती है मतलब ये हेड है यहाँ की तो ये इन्होंने बहुत अच्छे से किया हुआ है इसको मेंटेन और मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा इन लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि यहीं पर आइएगा और पार्टीज यहीं थ्रो करेंगे तो आपको मतलब आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि यहाँ पर टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। इनका ये कहना था कि मैम आपका 12 बजे चले मैंने नहीं बोला मैंने कहा 10:30-11 बजे तक हमारा निपट जाएगा बट इन्होंने बोला था कि हमारा आपका प्रोग्राम चाहे 12 बजे तक रहे चाहे 1 बजे तक चाहे 2 बजे तक रहे आपको जितनी बजे तक आपके गेस्ट रहेंगे जितने बजे तक आप इन्जॉय करना चाहते हैं आप यहाँ पर करिए
तो मतलब ये अपने में बहुत बड़ी बात होती है, कई रेस्टोरेंट वाले चिढ़ जाते हैं, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को इतनी अच्छी सर्विसेज हम लोग को देने के लिए, हम लोग को बहुत मज़ा आया। ठीक है, आप लोगों के पास मैं विश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का बिजनेस बढ़े। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।